हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लैंड पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मन बास्केटबॉल लीग में जो आज का मुकाबला होने वाला है, BAYU वर्सेस BON के बीच जो आज का बास्केटबॉल मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर का पिक करके चले, किस प्लेयर को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समोली और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के हर प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताने वाले हैं। दोनों टीमों के आपको एक एक पॉइंट करके देंगे। अगर आप किसी फंटेसी ऐप पर अपनी टीम बनाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉलिंग और ग्रैंड लीग पिक के बारे में। बात करें तो BON की तरफ से पार्कर जैक्सन को अपनी टीम में और जेमरी मॉर्गन को अपनी टीम में लेकर चले। पार्कर जैक्सन के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड इन्होंने अभी तक इस लीग में 281 क्लब पॉइंट करके 281 क्लब अभी तक इन्होंने इस लीग में पार्कर जैक्सन करेट वाइट ने एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में पॉइंट करके एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस प्लेयर BON की तरफ से आपके पास पॉइंट गार्ड के रूम में देखने मिल जाएगा। 281 के लगभग लीग मैच प्ले करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हर मैच में आपको 20 से ऊपर पॉइंट करके एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में देने वाले। तो आप अपनी टीम में पार्कर जैक्सन कर्ट वाइट को अपनी टीम में जे पॉइंट गार्ड के रूम में जरूर लेकर चले सकते हैं। जेरमी मॉर्गन के बारे में बात करें, जो शूटिंग गार्ड के रूम में 179 यानी कि 180 के लगभग अभी तक इन्होंने इस लीग में पॉइंट करके हर मैच में अपना बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में आपके पास दोनों प्लेयर समोली के लिए बेस्ट पिक होने वाले। इन दोनों प्लेयर को आप अपनी समोली टीम में जरूर लेकर चलिए। BAYU के बारे में बात करें, डेसमन थॉमस को अपनी टीम में, निक वेलर वेब को अपनी टीम में जरूर लेकर चले। डेसमन थॉमस के बारे में बात करें, अभी तक इन्होंने एज ए पार फोर्ड के रूम में 298 के लगभग अभी तक इन्होंने इस लीग में पॉइंट करके 267 के अलावा अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर पार फोर्ड के रूम में BAYU की तरफ से आपके पास थॉमस के रूम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपकी समोली के लिए बेस्ट पिक आपके पास पार फोर्ड देखने को मिल जाएगा। निक वेलर वेब के बारे में बात करें, निक वेलर वेब एक अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अभी तक इन्होंने एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में 243 के लगभग इस लीग में पॉइंट करके 259 के लगभग लीग मैच अभी तक इन्होंने प्ले करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर BAYU की तरफ से समोली के लिए एक अच्छा खासा पिक देने में मिल जाएगा। तो इन प्लेयर को चारों प्लेयर आपके लिए फास्ट बेस्ट पिक है जी समोली के लिए होने वाला। तो इन्हीं से चार प्लेयर में ऐसे आप अपनी टीम में समोली ग्रैंड लीग में पैक प्लेयर पिक करके चले, इन्हीं में से आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में लेकर चले तो भी आपको कोई भी लॉस नहीं होना। बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक के बारे में, आपके BON की तरफ से टाइसन वार्ड को अपनी टीम में, जस्टिन गोराम को अपनी टीम में लेकर चले। BON की तरफ से दोनों प्लेयर रिस्की प्लेयर है, इसलिए आप अपनी समोली से दूर रखें, उतना ही आपको फायदा होने वाला है। समोल लीग में कॉन्टेस्ट कम होने के कारण हमको टॉप से टॉप प्लेयर लेकर चले पड़ते हैं, इसी कारण हम रिस्क के प्लेयर को अपनी समोल लीग से दूर रखें, उतना ही हमें फायदा होने वाला है। BAYU के बारे में बात करें, गेविन स्टीलिंग को अपनी टीम में, व्लादिमिर लुसिस को अपनी टीम में BAYU की तरफ से, यह चार प्लेयर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए होने वाले रिस्की प्लेयर है, इसलिए अब अपनी समोल लीग से दूर रखें, उतना ही फायदा होने वाला है। इतना भी आपको अपनी ग्रैंड लीग टीम को आप अपनी टीम में बेची जगह लेकर सकते हैं, ग्रैंड लीग में आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला। तो की प्लेटफॉर्म यानी कि टॉप पर परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म यानी कि आपके पास टॉप पिक में, सबसे पहले बात करते हैं BON की तरफ से जैक्सन कैट वाइट को अपनी टीम में पॉइंट गार्ड के रूम में, समोली ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए जर्मी मॉर्गन आदि दोनों प्लेयर आपके पास पॉइंट गार्ड शूटिंग गार्ड समोली ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए बेस्ट पिक ऑप्शन होने वाला है। टाइसन वार्ड के बारे में बात करें, स्मॉल फोर्ड के रूम आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में, जस्टिन गोराम भी आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फोर्ड पार फोर्ड देखने मिल जाएगा एज ए ग्रैंड लीग टीम में। लियोन कटजर आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर रूम में BON की तरफ से बेस्ट पिक आपको देखने मिल जाएगा। तो 500 प्लेयर BON की तरफ से बहुत अच्छे खासे एक टॉप पिक प्लेयर होने वाले हैं, तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला, एक अच्छा खासा पिक आपके पास देने को मिल जाएगा। बात करते हैं BAYU के तरफ से बारे में, बात करें एंडर्स होबस्ट के बारे में, बात करें जैसे शूटिंग गार्ड के रूम में ग्रैंड लीग टीम में, वेलर बैब के बारे में बात करें जैसे स्मॉल फोर्ड के रूम में आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट पिक है जैसे स्मॉल लीग ग्रैंड लीग। डेसन थॉमस को भी आप अपनी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम में दोनों टीम में जे पार फोर्ड के रूम में लेकर चलते हैं। ऑगस्टिन रॉबर्ट आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर रूम में ग्रैंड लीग के लिए पिक देने को मिल जाएगा। तो BAYU की तरफ से चारों प्लेयर बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर होने वाले, इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला, एक अच्छा खासा पिक आपके पास दोनों टीमों में से प्लेयर बता दिए, टॉप पिक प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आपकी ड्रीम टीम के लिए अच्छा खासा पिक आपके पास देखने मिल जाएगा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में विजन 11 का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजन 11 को डाउनलोड करें। विजन 11 को क्यों डाउनलोड करें, सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ विजन 11 पर देने मिलेगा, एंट्री फीस भी कम, कॉम्पिटिशन भी कम, विनिंग प्राइस सबसे ज़्यादा, हर गेम के आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन विजन 11 पर देने मिलेगी।
यानी कि बाकी अब से 5 मिनट बाद इसमें गेम स्टार्ट होगा, तो लाइन में पाते पाते एक अच्छा खासा मौका बचता है आपके पास अपनी बेस्ट से बेस्ट फंटेसी टीम तैयार करने का। तो अभी डाउनलोड करें हमारा रेफर कोड यूज करें, आपको एक अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है। तो कॉम्पिटिशन कम होने के कारण आप आसानी से ग्रैंड लीग स्मॉल विन कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें और अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजन एन पर तैयार करें। अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस में, सबसे पहले BUN के बारे में बात करें, जैक्सन क्रेट वाइट के बारे में बात करें, पॉइंट गार्ड के रूम में अभी तक उन्होंने इस लीग में 281 पॉइंट कर गए। जर्मी मॉर्गन ने एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 189 के लगभग 180 के लगभग। कैस्टन टैडा के बारे में बात करें, जो शूटिंग गार्ड के रूम 122। हॉकिंस ने एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 150 के लगभग। टाइसन वार्ड के बारे में बात करें, जो स्मॉल फॉरवर्ड के रूम 99 यानी कि 100 के लगभग पॉइंट कर गए। BUN की तरफ से 500 प्लेयर बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देखने में मिल जाएंगे। तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होने, अच्छा खासा पिक आपके पास देने में मिल जाएगा। तो इन 5 प्लेयर में से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। बात करते हैं BAY की तरफ से बारे में बात करें, जैन सिस्को के बारे में बात करें, जो पॉइंट गार्ड के रूम में 178 के अलावा पॉइंट करके। एंड्रेस ओबस्ट के बारे में बात करें, जो शूटिंग गार्ड के रूम में 223 के अलावा। नेहा डेडोविक ने एज ए शूटिंग गार्ड के रूम 180 के लगभग। वेलर बैप के बारे में बात किया जाए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 243। व्लादिमिर लुसिस के बारे में बात किया जाए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 157 के लगभग पॉइंट कर गया। BAY की तरफ से 500 प्लेयर हर मैच में अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जिनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्ले पिक करके चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, एक अच्छा खासा पिक आपके पास देने में मिल जाएगा। तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर जरूर पिक करके चल सकते हैं। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, BUN की तरफ से 3 प्लेयर, BAY की तरफ से भी 3 प्लेयर आपके पास बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में देने में मिल जाएगा। अगर स्मॉली के कैप्टन के बारे में बात करें, जैक्सन क्रेट वाइट को अपनी टीम में, क्विस्टन रॉबर्ट को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में लेकर चल सकते हैं। बाकी 4 प्लेयर आपके पास स्मॉली ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में लेकर चले, तो कोई भी लॉस नहीं होगा। तो 6 प्लेयर आपके पास बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में देखा चलेगा। इन 6 प्लेयर में से आप अपनी चाहे सम्बोलिक टीम बनाए, ग्रैंड लीग टीम बनाए, ये 6 प्लेयर आपके पास बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन रूम होने वाले हैं। इन्हीं 6 प्लेयर में से आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर लेकर चले। स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके स्क्वाड को जरूर देख ले, इन्हीं में से आपके प्लेइंग एट होने वाले हैं। पॉसिबल प्लेइंग एट के बारे में बात करें, तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों में से 8-8 प्लेयर पिक किए, यानी कि हमारे हिसाब से आज के मैच में यह प्लेयर खेलने वाले, बाकी हम आपको लाइन पाने बाद टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में, तो आप अपनी ड्रीम टीम में पॉइंट गार्ड के बारे में बात करें, जैक्सन क्रेट वाइट को अपनी टीम में जो पॉइंट गार्ड, स्मॉली ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए आपके पास एक अच्छा खासा BUN की तरफ से पॉइंट गार्ड देने में मिल जाएगा। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, जेम्स मॉर्गन और केट आडा आपके पास दोनों प्लेयर BUN की तरफ से आज शूटिंग गार्ड के रूम में बेस्ट पिक है। स्मॉली ग्रैंड लीग मॉर्गन को आप अपनी स्मॉली ग्रैंड लीग दोनों टीम में, टैडा के बारे में बात करें, जो ग्रैंड लीग टीम में आप अपनी टीम में शूटिंग गार्ड के रूम में लेकर चल सकते हैं। स्मॉल फॉरवर्ड के बारे में बात करें, जोसन हॉकिंस को अपनी टीम में, जो स्मॉल फॉरवर्ड ओलर वेलर बैब आपके पास BAY की तरफ से स्मॉली ग्रैंड लीग, और हॉकिंस को आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में कैप्टन वोसी सॉरी एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में जरूर लेकर चल सकते हैं, एक अच्छा खासा पिक आपको देने में मिल जाएगा। पावर फॉरवर्ड के बारे में बात करें, थॉमस को आप अपनी टीम में BAY की तरफ से एज ए पावर फॉरवर्ड ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम में, और जर्माज के बारे में बात करें, ग्रैंड लीग टीम में एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में BAY की तरफ से एक अच्छा खासा पिक आपको देने में मिल जाएगा। सेंटर के बारे में बात करें, कैसेंस आपके पास एक अच्छा खासा, रबिट भी आपके पास एक अच्छा खासा पिक होने वाला है, तो इन दो प्लेयर में से आप अपनी टीम में सेंटर रूम में प्ले पिक करके चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होने, एक अच्छा खासा पिक आपको देने में मिल जाएगा। तो जैक्सन क्रेट वाइट को अपनी टीम में कैप्टन और मॉर्गन को अपनी टीम में वॉइस कैप्टन रूम में लेकर चले, तो कोई भी लॉस नहीं होने, एक अच्छा खासा पिक आपको देने में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपनी ड्रीम टीम क्रिएट करिए, तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, इस तरह से आप अपनी आसानी से इस ग्रैंड लीग से मोली विन कर सकते हैं। तो बाकी हम आपको लाइन पर टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। और आपने अभी तक विजन 11 डाउनलोड नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ विजन 11 पर देने मिलेगा, एंट्री फीस भी कम, कॉम्पिटिशन भी कम, विनिंग प्राइस सबसे ज़्यादा। तो कॉम्पिटिशन कम होने के कारण आप आसानी से ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं, हर गेम के आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन विजन 11 पर देने मिलेगी, यानी कि बाकी ऐप से 5 मिनट बाद जिसमें गेम स्टार्ट होगा, तो लाइन ने मानवा देगा अच्छा खासा मौका बचता है आपके पास अपनी बेस्ट से बेस्ट फंटेसी टीम तैयार करने का। तो अभी डाउनलोड करें हमारा रेफर कोड यूज करें, आपको 300 का बोनस मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड करके इस मैच की फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजन 11 पर तैयार करें।